नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका इस चैनल पे। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन जिनको बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, और बेस्ट लक उनके लिए कि उनका मेंस एग्ज़ाम अभी होने वाला है। और जो फेल्योर हुए दोस्तों, जब जो फेल हुए, सो दोस्तों उनके लिए एक बहुत अनाउंसमेंट कि प्लीज़ डिमोटिवेट मत होइएगा, नाराज़ मत होइएगा। आने वाली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए है। LIC असिस्टेंट है, IBPS क्लर्क है, IBPS PO है। प्लीज़ उस पर ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, अपने फेल्योर्स पे ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा। सिर्फ आपने क्या गलतियाँ की है, क्या नहीं किया है, उन पर फोकस करके वो एनालाइज़ कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। सबसे पहले आज बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट होने वाला है कि नॉर्मलाइजेशन क्या की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुआ, कोई मतलब बहुत सारे बच्चे फेल भी हो गए होंगे, कुछ लोग कुछ साथ साथ 8-8 मार्क्स भी बढ़ गए होंगे। सो दोस्तों मेरा मानना ये है कि ये आपके हाथ में नहीं है, ये जो होगा वो IBPS देख लेगा। आप हमारे हाथ में सिर्फ इतना है कि हमें आगे पढ़ाई करते रहना है। सो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बेसिकली बात करेंगे कि स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज कट ऑफ जितने भी मुझे मिले हैं उतने में कलेक्ट किया है और आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में UR का कट ऑफ गया है दोस्तों 58.75, पंजाब का है UR का कट ऑफ 63.50 एंड OBC का है 57.75। UP का कट ऑफ गया है दोस्तों 58.75 फॉर जनरल एंड फॉर SC इट्स 52। बिहार का कट ऑफ दिखता है दोस्तों आपको यहाँ पे 58 फॉर UR एंड कर्नाटका का फॉर OBC 46.25। तो ये चार स्टेट के कट ऑफ है। इसके बाद गुजरात का कट ऑफ है दोस्तों 43.50 फॉर UR। आंध्र प्रदेश का कट ऑफ है दोस्तों 58.50 फॉर UR एंड ओडिशा का फॉर यूआर कितना है 55.75। इसके बाद मध्य प्रदेश का कट ऑफ है दोस्तों 54.75 फॉर UR। दोस्तों यहाँ पे जितने भी आपको UR दिख रहा है ना, मोस्टली ये कट ऑफ UR प्लस OBC का ही होगा गारंटीड, क्योंकि हमेशा ज़्यादा RRB में आपको ये देखने को मिलता है कि UR एंड OBC का कट ऑफ सेम देखने को मिलता है। कभी कभी SC का भी कट ऑफ UR OBC के OBC से मैच कर जाता है, हालांकि सिर्फ आपको ST का कट ऑफ अलग देखने को मिलता है। एनीवे लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेट्स। इसमें आपको MP का कट ऑफ देखने को मिलेगा दोस्तों 54.75, जो ऊपर भी हमने देखा। JNK का कट ऑफ यहाँ पे है 55.25 फॉर UR। तमिलनाडु का आपको 55.25 फॉर UR। हरियाणा में OBC का यहाँ पे मुझे देखने को मिला है 59.50। UR का कट ऑफ मेरे पास नहीं है। आसाम का दोस्तों यहाँ पे 41.50 एंड OBC का यहाँ पे 39। ये सबसे लोवेस्ट कट ऑफ यहाँ पे गया है दोस्तों OBC का एंड UR का इन आसाम। उसके बाद शायद त्रिपुरा में भी गया है। महाराष्ट्र का कट ऑफ दोस्तों आपको देखने को मिलेगा 56 फॉर UR एंड OBC एंड 50.25 फॉर ST। उसके बाद उत्तराखंड का आपको देखने को मिलेगा 65.75। द नेक्स्ट स्टेट्स दोस्तों राजस्थान, जहाँ पे 58.50 यहाँ पे UR एंड OBC का कट ऑफ गया है। त्रिपुरा का यहाँ पे सबसे लोवेस्ट कट ऑफ गया है 37.50। वेस्ट बंगाल का आपको 55.25 UR का देखने को मिलेगा एंड ST का 48.75 फॉर तेलंगाना। SC का कट ऑफ गया है 54। यहाँ पे UR एंड OBC का कट ऑफ मेरे पास नहीं है, सो मैं नहीं बता पाऊँगा। उसके बाद केरला 61.25 एंड झारखंड 59.50 फॉर OBC। तो दोस्तों आप सभी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आपने अटेम्प्ट कितना किया था और आपकी नॉर्मलाइजेशन की वजह से कितने मार्क्स बढ़े, कितने मार्क्स कम हुए और आपकी शिफ्ट कौन सी थी। शायद मैंने ऐसा एनालाइज किया कि जो फोर्थ शिफ्ट में थे उनके मार्क्स बहुत अच्छी तरह से बढ़े हैं और यहाँ पे एक्यूरेसी रखने वालों को भी अच्छी तरह से मार्क्स मिल चुके हैं। सो दोस्तों आप सभी को पता था कि नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। RRB क्लर्क में भी ऐसे ही हुआ दोस्तों, लास्ट ईयर में RRB क्लर्क में ऐसा ही हुआ था, जिनके बहुत अच्छे एक्यूरेसी थी उनके बहुत सारे 75 क्रॉस कर गया था, इसलिए कट ऑफ आउट ऑफ 80 75 भी गया था बहुत सारे स्टेट्स में, और जिनका एक दो गलत हो गए तो उनको बहुत जबरदस्त पेनल्टी भी लगी थी। सो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंगली आप एक्यूरेसी पे भी ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि रीजनिंग मैथ ही ऐसे दो सेक्शंस होते हैं जहाँ पे हम एक्यूरेसी बहुत मतलब जहाँ पे एक्यूरेसी अच्छी तरह से रख सकते हैं, जहाँ पे 100% एक्यूरेसी होनी भी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश और अदर जो टॉपिक्स होते हैं GK वगैरह वहाँ पे 100% एक्यूरेसी रखना बहुत मुश्किल होता है। सो रीजनिंग एंड मैथ बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। सो दोस्तों बेस्ट लक जिनका सिलेक्शन हुआ है, और प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको कितने मार्क्स मिले हैं और आपका सिलेक्शन कौन से स्टेट से हुआ है और आपको कितने मार्क्स कितने अटेम्प्ट करने के बाद कितने मार्क्स मिले हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे एंड हैव अ लवली डे एंड हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। गुड बाय।